एमएस वर्ड पर क्लिक किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है, गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे ओपनिंग बैलेंस। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस मैंने कुछ बना के यहाँ पर रखा हूँ, आपको वही दिखलाऊ। आज दोस्तों मैंने क्या सीखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर मैंने देखी लेजर, ग्रुप और ओपनिंग बैलेंस। तो लेजर तो आपको बनाना है और लेजर का ग्रुप जिसमें जाएगा वो बैंक ग्रुप में जाएगा, और यहाँ पर ये आपको ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस पहले होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेजर को क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि लेजर होता है जो आप कोई भी प्रोडक्ट सामान खरीदेंगे बेचेंगे या कुछ अकाउंट खोलेंगे उसका लेजर बनाना पड़ेगा। ग्रुप मतलब क्या होता है, उसी ग्रुप में जाएगा जिसका वो लेजर बना है। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया था। अब ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपको पैसा है, अकाउंट ओपनिंग करवाए हैं, तो उसका पैसा कितना है, तो इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस में इसमें आपको देना होगा कि हमको बैंक में इतना पैसा है। कैश इन हैंड मतलब हाथ में कितना पैसा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब लोन लाइबिलिटीज मतलब आप बैंक से लोन भी लिए हैं, तो इसमें ये ओपनिंग बैलेंस होता है। मनोज कुमार कस्टमर सैंडरी डेप्टर, कस्टमर क्या है, एक ग्राहक को सामान बेचे हैं जो पहले से ही 5000 ड्यूज आपको आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। रवि कस्टमर, रवि कंप्यूटर सेल्स सप्लायर, सप्लायर मतलब क्या होता है कि आप उससे कोई सामान खरीदे हैं जिसको इतना पैसा आपको देना है, आपको यहाँ पर आपको देना है, इतना ड्यूज आ रहा है। बिल्डिंग मत क्या होता है, बिल्डिंग में फिक्स एसेट आपको भी आप शॉप के लिए दुकान का घर के लिए आपको है, तो आप 2 लाख रुपया का बिल्डिंग परचेज किए हैं या फिर आपको संपत्ति है, संपत्ति फिक्स एसेट है दी है। फर्नीचर फिक्स एसेट उसमें आपको संपत्ति है इतना का फर्नीचर का। सेल्स का सेल्स अकाउंट जाता है, परचेज का परचेज अकाउंट, इसमें कुछ ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। मॉनिटर सेल्स किए हैं तो ये डायरेक्ट इनकम में जाएगा, और मॉनिटर परचेज किए तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, पंजाब नेशनल बैंक में आप अकाउंट खोलाएं या आपके पास या बैंक में इतना पैसा है तो ये आपको पैसा आपको है, इसी को बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोग चलते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टैली पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर वर्क इन एजुकेशन मोड में आएंगे और F3 को प्रेस कर लेंगे और क्रिएट कंपनी में जाके हम लोग एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी का नाम दे रहे हैं स्टूडियो, सिर्फ स्टूडियो, और इसका डिटेल्स मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए तो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। आज के हमारे पास टॉपिक है, आज मैं आपको बताऊंगा वो ओपनिंग बैलेंस के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग एस्केप बटन मतलब ESC बटन से प्रेस करेंगे और जाएंगे अकाउंट इन्फो में और लेजर में जाएंगे और क्रिएट में जाएंगे, सिंगल लेजर बनाएंगे और हम लोग यहाँ पर देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक बनाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे PNB अकाउंट और किस में जाएगा, ये बैंक है तो बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक। अब इसका कुछ डिटेल्स फिल नहीं मैं कर रहा हूँ, हमको सीधे ओपनिंग बैलेंस देखना है। आप देखिए नीचे पर यहाँ पर आ गया ओपनिंग बैलेंस। तो बैंक में जब मैं अकाउंट खुलाया था तो कितना खुलाया था, अकाउंट दहन सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि कायन दहन सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर DR ही होगा और इसको करेंगे इंटर, फिर इसके DR और CR क्या होता है मैं आगे विषय में आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और बाहर आ गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है कि आप हाथ में पैसा लेकर भी कारोबार कर रहे हैं, तो हाँ मैं कर रहा हूँ, तो कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड का हमको लेजर नहीं बनाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक बन जाता है, हम आगे आपको बताएंगे, उसको हम लोग सिर्फ फिल कर देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिए हैं, लोन लाइबिलिटीज में तो लोन लिए हैं, बैंक से लोन लिए हैं,
तो एस बी आई यहाँ पर दिए लोन लाइबिलिटीज में जाएंगे, लोन लाइबिलिटीज कहाँ है, लोन लाइबिलिटीज यहाँ पर आ गए, और कितना लोन लिए हैं यहाँ पर देखेंगे, लोन कितना है मेरे पास 1 लाख, तो देखिए कायन दहन संक्रांत 10 लाख 1 लाख और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए सैंड्री डेप्टर्स क्या होता है, ये कस्टमर है जिसको हम सामान बेचेंगे, ठीक है, तो इसका नाम है मनोज कुमार, ये हमारे पास कस्टमर है, इसको ध्यान से समझना है नहीं तो आपको आपको कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। सैंड्री डेप्टर्स, तो सैंड्री डेप्टर्स कहाँ पर है इसको चूज करेंगे, सैंड्री डेप्टर्स यहाँ पर आ गया, और इनके यहाँ जो सामान बेचें जो पहले से मेरा पैसा है इसी को बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो 10,000 है तो 10,000 यहाँ पर टाइप करेंगे, कायन दहन सैकड़ा 1,000 10,000 और इस पर कुछ नहीं करेंगे, इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है ना, फिक्स एसेट्स और फर्नीचर, फिक्स एसेट दोनों फिक्स में जाएगा, ठीक है, तो हम लोग बिल्डिंग अकाउंट बना लेते हैं, इसको फिक्स एसेट्स में रखेंगे। तो चलिए हम बिल्डिंग जगह पर ज़मीन ले लेते हैं, ये भी फिक्स एसेट्स ही होती है, तो फिक्स एसेट्स मेरे पास कहाँ पर है, ऐसा करते हैं बिल्डिंग का बिल्डिंग ही बनाते हैं ना तो कन्फ्यूजन आपको बन जाएगा, इसलिए बिल्डिंग अकाउंट ये रहेगा फिक्स्ड एसेट, मतलब मेरे पास संपत्ति है फिक्स एसेट्स, ठीक है, और बिल्डिंग हम कमाने में कितना लिए, कायन दहन सैकड़ा 10,000 2 लाख, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट अभी फिक्स एसेट में जाएगा, इसको मैंने रखता हूँ। उसके बाद हो गया दूगो मैंने बना लिया, उसके बाद सेल्स और परचेज का परचेज अकाउंट, इसका भी हम लोग बनाएंगे, और मोनिटर सेल्स और मोनिटर परचेज दूगो है, इसको भी आपको बना लेना है, मोनिटर सेल्स मोनिटर सेल्स सेल्स करेंगे तो जाएगा डायरेक्ट इनकम में, अभी इसको मैं कुछ ओपनिंग बैलेंस नहीं मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है, बैक स्पेस कुछ फिल कर ही दे रहा हूँ, तो मैं अल्टर में जाऊँगा और मोनिटर जो सेल्स किए हैं उसमें ओपनिंग बैलेंस मैं नहीं डाला, तो चलिए इसको मैं डाल देता हूँ 4,000 और बैक स्पेस गए, फिर क्रिएट में गए और हमारे पास एक और बच रहा है मोनिटर सेल्स किए, अभी परचेज करेंगे और इसको हम लोग दाम रखते हैं, ये आपको एक्सपेंस में जाएगा क्योंकि हमारे पास ये खर्चा है, तो 3,000। अब हमारे पास कौन सा और बच गया है, चलिए मैंने सब बना लिया, अब इसको कहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, अब हम लोग इसको कहाँ पर आपको देखेंगे, तो यहाँ पर आपको आ जाना है और देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखिए कैपिटल अकाउंट में हम लोग कुछ नहीं था,
ठीक है ना। लोन लायबिलिटीज मतलब लोन कितना हम लोग लिए थे, तो देखिएगा 1 लाख हम लोग लोन लिए थे, 1 लाख बैंक से SBI से लोन लिए थे। यहाँ पर आपको मैं आपको दिखला देता हूँ कहाँ पर है SBI बैंक, SBI बैंक देखिए लोन लायबिलिटीज 1 लाख, ठीक है, इसको भी दिखला दिए। एस्केप बटन से बैक जाएंगे, हमारे पास करेंट लायबिलिटीज अभी कुछ नहीं था, ठीक है ना। अब हमको अब आते हैं फिक्स एसेट्स में, मैंने आ गया फिक्स एसेट्स से, मैं हमारे पास क्या क्या चीज़ संपत्ति था, फर्नीचर मैंने 50,000 और उसके बाद लैंड यानी कि भूमि लिए थे, ठीक है ना, 2 वो बनाए थे, तो 1-2 लाख दिए थे, 1-50,000 दिए थे। और हमको भूमि बनाए थे कि हम लोग बनाए थे बिल्डिंग बनाए थे, क्या बनाए थे उसको हम लोग देखते हैं अल्टर में जाके, बिल्डिंग भी बनाए थे और बिल्डिंग में हम लोग हाँ यहाँ पर लैंड और इलियास में बिल्डिंग दोनों में नाम हो गया था, तो इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। इलियास मतलब क्या होता है, उपनाम, यहाँ पर गलती हो गया था, इसको हम लोग डिलीट, ये हमको डिलीट कर लेते हैं कंट्रोल डी से, ठीक है। और फिर जाके हम लोग बिल्डिंग, क्योंकि मैंने 2 गो यहाँ पर परचेज कर लिया था एक ही नाम से, तो अभी आपको बिल्डिंग मैंने उसको डिलीट कर दिया, और यहाँ फिर जाते हैं और बिल्डिंग फिर उसको टैप करते हैं, बिल्डिंग का बिल्डिंग अकाउंट। ये हमारे पास क्या है, फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट में रखेंगे। बिल्डिंग हमने कितना मेरा पूंजी है, 51,000 2 लाख था, 51,000 10 लाख 2 लाख, और एंटर प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट में, देखिए कैपिटल अकाउंट मेरे पास इक्विलाइजर नहीं बना है, ये है लोन लायबिलिटीज 1 लाख मैंने लोन लिया था, करंट लायबिलिटीज मेरे पास नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिक्स एसेट्स में, अब देखिए फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग 2 लाख का है और फर्नीचर भी 2 लाख जो अभी एंट्री किए थे। उसके बाद मेरे पास करंट एसेट्स, सैंडरी क्रेडिटर्स के यहाँ अब सैंडरी डेबिटर्स के 10,000 और 20,000 जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, देखिए 10,000 और 20,000, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमको आना है, अब देखिए ओपनिंग बैलेंस, अभी प्रॉफिट एंड लॉस का हमको आगे आपको हम बताएंगे, अब इसके विषय में चर्चा अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ओपनिंग बैलेंस और करंट बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।